वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जी गुरु। गाइस, आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इंटेल 13 जनरेशन i5 की अनबॉक्सिंग ले गए हैं। दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल पे लैपटॉप की डिटेल और कॉन्फ़िगरेशन का पता करेंगे, देखेंगे कि क्या 13 जनरेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 12 जनरेशन से ये कितना बेटर होने वाला है, क्या इस समय 13 जनरेशन लेना वर्थफुल है या नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को हम इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि 13 जनरेशन की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होने वाली है। वीडियो में साथ तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने लैपटॉप की डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा लैपटॉप का बॉक्स है और चलिए सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं कि मेन स्पेक्स क्या होने वाले हैं इस लैपटॉप में। अगर बात करते हैं तो ये सेम HP Pavilion 15 सीरीज का लैपटॉप है, जिसका मॉडल नंबर होने वाला है EG3026TU। इंटेल का इसमें i5 13 जनरेशन 1240P प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि 12 कोर 16 थ्रेड का होगा। आगे की स्पेक्स के बारे में हम वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। प्लस इसके अंदर 512GB की SSD, 16GB रैम, विंडो 11, MS ऑफिस 2022। डिस्प्ले की बात करते हैं तो FHD IPS पैनल 300 निट के साथ में है और कलर एक्यूरेसी 100% होने वाली है। प्लस बैटरी की बात करते हैं तो 3 सेल 41 वॉट की चार्जिंग कैपेसिटी होने वाली है। इस प्रोसेसर को इंटेल ने इसी क्वार्टर में लॉन्च किया है, तो जब भी आप लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे तो हमेशा की तरह इसमें मेन 30 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला आपका लैपटॉप, दूसरा 65 वॉट का पावर अडॉप्टर जिसमें आपको पावर केबल साथ में मिलेगी, प्लस आपका ये मैनुअल जो भी हम अपने वीडियो में दिखाते रहते हैं और आप उसे चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस लैपटॉप की हमने अनबॉक्सिंग यहाँ कर रखी है। ये लैपटॉप हूबहू सेम अपनी 12 जनरेशन 15 सीरीज की तरह ही दिखता है। बिल्ड क्वालिटी भी बिल्कुल सेम है, फिर भी चलिए इस वीडियो में हम एक बार बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस लैपटॉप को, तो जो इसका वेट है 1.7 kg के अराउंड में होने वाला है। 15.6 का फुल साइज कीबोर्ड है और ये इसकी प्रॉपर लुक 15S सीरीज की तरह होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। हमेशा की तरह इसमें आपको काफ़ी अच्छा जेस्चर सपोर्ट ट्रैकपैड मिल जाता है, फुल साइज का कीबोर्ड मिल जाता है विद न्यूमेरिक कीपैड के साथ में, और ये बैकलिट मॉडल होने वाला है विद फिंगरप्रिंट रीडर, जो कि सिक्योरिटीज के लिए काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल रहता है। बात करते हैं फ्रंट पैनल की, तो हमेशा की तरह इस पे अगर आप देखेंगे MS ऑफिस 2021 का स्टिकर, इंटेल i5 13 जनरेशन का स्टिकर, इंटेल आईरिस एक्सी ग्राफिक कार्ड, प्लस इसी के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव सपोर्ट के साथ में आता है। बात करते हैं इस पे लोगो की, तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट नंबर मिल जाता है, जिसपे आप HP सपोर्ट का भी नंबर मेंशन किया गया है, प्लस उसी के ऊपर यहाँ पे Pavilion की ब्रांडिंग करी गई है। बात करते हैं इस लैपटॉप के टॉप पैनल की, तो टॉप पैनल पे HP का लोगो देखने को मिलता है। ये मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ है, साथ में है कीबोर्ड सरफेस, प्लस इसका टॉप लिड मेटल के अंदर है। बैक की बात करते हैं तो ये प्लास्टिक बिल्ड के अंदर है। दोस्तों, अगर हम देखें इसके डिस्प्ले की, तो ये डिस्प्ले एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होने वाली है, और अगर बात करते हैं हम इसके कलर एक्यूरेसी की, तो ये 100% कलर गैमेट के साथ में है। तो जो लोग भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन लोगों को भी नेटफ्लिक्स यूट्यूब इन पे ज़्यादा कंटेंट सर्च करते हैं, उनके लिए लैपटॉप काफ़ी कमाल का होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं इसके हिंजेस की, तो अगर हम देखेंगे कि क्या ये सिंगल हैंड से ओपन हो पाएगा, तो नहीं, ये लैपटॉप बिल्कुल नहीं सिंगल हैंड से ओपन हो पाएगा। जब भी आप ओपन करेंगे तो इस पे आपको आपके दोनों हैंड लगाने पड़ेंगे, लेकिन जो हिंजेस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये देखिए, हमेशा की तरह किसी भी लेवल पे आप इसको फिल करेंगे, ये आराम से रुक जाएगा। तो हिंजेस की क्वालिटी मैं कहूँगा Pavilion की काफ़ी बेटर मिलती है। बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो बैक पैनल पे आपको यहाँ पे एयर वेंटिलेशन मिल जाता है, और यहाँ GPU और CPU पे ड्यूल फैन यूज किए गए हैं, बट जो फैन की स्पीड है वो ना के बराबर ही आपको सुनने को मिलेगी।
बिकॉज इस लैपटॉप में नॉइस बिल्कुल भी नहीं आएगी फैन की आपकी। मैंने बहुत ही हाई एंड टास्क काम किए, एक साथ 10-10 टैब ओपन करके देखा, बट फैन की आवाज 0% की थी। तो ये जो लैपटॉप है ये काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, साथ में दोस्तों एचपी आपको 2023 में दे रहा है। बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, तो इसके अंदर आपको 720 पिक्सल का वेबकैम मिलता है जो कि काफी अच्छा है। आप देखिए जो वेबकैम है वो काफी क्रिस्टल क्लियर आ रहा है और आपके कंटेंट काफी क्लियर होंगे यहाँ पे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके स्पीकर की, तो इसमें B&O स्पीकर यूज किया गया है। चलिए हम आपको इसका साउंड भी सुनाते हैं, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें आने वाले पोर्ट की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट इसमें दिया गया है। अगर हम बात करते हैं राइट हैंड में, तो राइट हैंड में हम देखेंगे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, एक आपको टाइप ए यूएसबी मिलता है, प्लस यूनिवर्सल लॉक सिस्टम मिल जाता है। बात करते हैं लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड में हम आपको जो कंपनी दे रही है एक HDMI पोर्ट प्लस टाइप ए यूएसबी पोर्ट, टाइप सी पोर्ट जो कि स्लीप मोड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, प्लस एक ऑडियो जैक 3.5 mm का। इस पोर्ट का हर किसी को इंतजार होता है बिकॉज ये पोर्ट हर कोई यूज करता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, बिकॉज ये जो पोर्ट है वो म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों ये तो इसकी कंप्लीट इस पैक्स की बात थी, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है और इंटरनल हम चेक भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम इसके टास्क मैनेजर की, तो अगर हम बात करते हैं CPU की, तो CPU में आपको दिखाना चाहूँगा इसमें इंटेल का i5-1340P प्रोसेसर है जिसकी बेस स्पीड 1.9 GHz की है और टर्बो फ्रिक्वेंसी जो है इसकी वो 4.6 GHz की होने वाली है। बात करते हैं इसमें कोर एंड थ्रेड की, तो इसके अंदर आपको 12 कोर और 16 थ्रेड मिलता है। हमेशा की तरह इंटेल ने इस प्रोसेसर में भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको 12 कोर 16 थ्रेड के साथ में 12 कोर के अंदर 4 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं और 8 एफिशिएंस कोर मिलते हैं। जो मैक्सिमम स्पीड इसकी बताई गई है वो है 4.6 GHz की। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस कोर की मैक्सिमम बूट स्पीड की, तो वो 4.6 GHz की होने वाली है, और एफिशिएंस कोर की बात करते हैं तो वो 3.4 GHz की होने वाली है। बात करते हैं प्रोसेसर के पावर कंजम्पशन की, तो प्रोसेसर का जो बेसिक पावर कंजम्पशन है वो 28 वाट का है और जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है वो 64 वाट का है, प्लस जो मिनिमम पावर कंजम्पशन होगा इस प्रोसेसर का वो 20 वाट्स का होने वाला है। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये इंटेल i5-12 जनरेशन का, जो हमारा टाइगर लेक प्रोसेसर आता था उसकी जगह इंटेल ने इसे एल्डर लेक प्रोसेसर की कैटेगरी में रखा है, और हमें जो कैशे मिलती है वो 12 MB की मिलती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1340P प्रोसेसर की, तो i5-13 जनरेशन में वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, बट मेरा एक सजेशन ये था कि इंटेल इस प्रोसेसर की जगह 1370P प्रोसेसर देता तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस बेस होता, बट कोई नहीं, इंटेल i5-12 जनरेशन 1240P से तो ये बेटर ही है। तो दोस्तों साथ में हम इसके रैम की बात कर लेते हैं कि इसकी मेमोरी कितनी होने वाली है। अगर हम देखते हैं तो इसकी मेमोरी 16 GB की है जो कि 32 GHz मेमोरी के साथ में आता है, बट मैं आपको ये बता दूं इसके अंदर 42-55 MHz की रैम भी सपोर्ट करेंगी। LPDDR5 भी इसमें सपोर्टेबल है जो कि डुअल चैनल मेमोरी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं SSD की, तो इसमें WD की काफ़ी रेपुटेटेड अच्छे ब्रांड की SSD यूज़ करी गई है जो कि 512 GB होने वाली है। Wi-Fi कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिलता है जो कि राइट नाउ जितने भी आपके स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनके सबके साथ कंपेटेबल होगा और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में आता है। साथ में बात कर लेते हैं GPU की, तो इसमें इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड इंटेल Iris Xe का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपकी डे टू डे ग्राफिक
वर्कआउट को सपोर्ट करता है, आप इसमें हल्की फुल्की एडिटिंग और गेम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो स्पेक्स है ये काफ़ी कमाल की है। एक्चुअली ये लैपटॉप किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि अगर आप 50-80 का बजट मार्केट में लेके चल रहे हैं तो कौन कौन से लोग हैं जो इन लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल, डे टू डे यूज़र, कोडिंग स्टूडेंट, मल्टीटास्किंग यूज़र, नॉर्मल एडिटिंग अगर आपको करना है तो आप इस लैपटॉप को प्रेफर कर सकते हैं। ये जो लैपटॉप है ये ड्यूल फैन के साथ में आता है तो हल्की फुल्की गेमिंग और एडिटिंग के काम को भी सपोर्ट करेगा, प्लस कोडिंग के स्टूडेंट आप बंद करके इस लैपटॉप को प्रेफर कर सकते। HP ने जो इसकी प्राइसिंग अभी रखी है वो 77-78 के आसपास रखी है। मार्केट में आपको और भी डिस्काउंट और ऑफर मिलेंगे, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है तो मार्केट एक्सप्लोर एक बार जरूर कीजिएगा। ये जो लैपटॉप है ये 2023 का रिसेंटली लॉन्च लैपटॉप है और इसकी स्पेक्स मैंने जैसे आपको दिखाई वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक मेरे चैनल पे जरूर दीजिएगा। ये छोटा वीडियो था, कोशिश किया है कि हमने इसके सारे पार्ट्स को कवर किया है और जो भी इसकी कॉन्फिगरेशन थी वो भी बताई है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।